बड़ी खबर बता दें आपको, यूक्रेनी हमले में दो फाइटिंग व्हीकल तबाह होने की खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन का दावा है दो रूसी टैंक भी तबाह हुए हैं। रूसी गोला बारूद डिपो पर भी हमला किया गया है और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एक और बड़ी खबर, बाखमुत पे यूक्रेन का बड़ा अटैक देखा गया है, तेजी से आगे बढ़ रही है यहां पर यूक्रेन की आर्मी, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा आगे बढ़ी यूक्रेनी फौज। यूक्रेनी आर्मी को रोकने के लिए रूस का काउंटर अटैक। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है, और ये तस्वीरें बाखमुत से भी सामने आ रही है, जहां पर जंग इस वक्त फिर तेज होती हुई। तो बाखमुत जिसको लेकर दावे किए जा रहे थे कि इस पर पूरी तरीके से रूस का कब्जा हो गया है, इसे रूस के हवाले कर दिया गया है, वहां पर एक बार फिर क्या यूक्रेन की वापसी हो गई है? तस्वीरों को देखकर कुछ ऐसे ही दावे सामने आ रहे हैं। यहां यूक्रेनी आर्मी के आगे बढ़ने की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रूस ने भी अपना काउंटर अटैक इसके बाद तेज कर दिया। तो सवाल उठ रहा है, बाखमुत में क्या यूक्रेन की वापसी हो रही है? री रिटर्न्स बाखमुत में यूक्रेन ने फिर से ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिए हैं। जानकारी ये भी कि 1.5 किलोमीटर से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है यूक्रेन की फौज। साउथ और नॉर्थ फ्लैंक पर तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी आर्मी। 3 दिनों से यूक्रेन का बाखमुत पे काउंटर ऑफेंसिव तेज हो रहा है। आर्टिलरी अटैक को यूक्रेन को आगे बढ़ने से रोक रही है रशियन आर्मी। इसके साथ ही यूक्रेनी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहा है रशिया। जानकारी ये भी कि बाखमुत पे अभी ज्यादातर इलाकों पर रूस का कब्जा है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर जानकारी के मुताबिक ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से बाखमुत पर जंग तेज होती हुई, और कोशिश यूक्रेन की कि एक बार फिर से बाखमुत को अपने कब्जे में ले लिया जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, चकार्सी के उमान में रूस की मिसाइल स्ट्राइक देखी गई है। रूसी हमले में कई लोग हताहत है। उमान में लगातार एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने, हाईमार्स से रूस पर ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। फ्रंट लाइन पर अटैक के लिए हाईमार्स का इस्तेमाल किया गया है। रशियन आर्मी पीछे हटने को उसके बाद मजबूर हो गई। अमेरिका ने यूक्रेन को हाईमार्स दिए हैं, जिसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है ये तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो सवाल ये कि हाईमार्स ने क्या एक बार फिर से गेम बदल दिया है, क्योंकि तस्वीरों को देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा है। जानकारी आपके सामने रख दे, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन ने हाईमार्स से हमले तेज कर दिए हैं। रूसी फ्रंटलाइन पर हमले के लिए हाईमार्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही हाईमार्स से हो रहे हमले में रशियन आर्मी पीछे हटने को मजबूर होती नजर आ रही है। बैटल ग्राउंड में रूस के लिए सबसे घातक साबित हो रहे हैं अमेरिका से मिले ये हाईमार्स। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं 40 से ज्यादा हाईमार्स। यूरोपीय देशों से भी मिले हैं घातक टैंकों को भी यूक्रेन ने फ्रंट लाइन पर भेजा है। ऐसे में इसी से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से अब बड़े स्तर पर युद्ध क्षेत्र में हाईमार्स का इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पर फ्रंट लाइन पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से रूसी आर्मी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। तो अमेरिका की ओर से यूक्रेन को जो हाईमार्स मिले हैं उनका अब कितने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं।